So what's up, and welcome back to this YouTube channel. You are watching Fattahi's reaction, and this is me, Saina And today I am back with this reaction video. And today's reaction is gonna be going on to the song video. Basically, we have a teaser that we have reaction karenge And the name of the song is Kalastar Yafir Kala Star. So I don't know the correct pronunciation, so please do not bash me over that. And in this video, there we have Yo Yo Honey Singh and Sanakshi Sinha. Well, वेट okay, uh, एक सॉन्ग था यो, यो सिंह का देसी कलाकार ओके okay, मैंने उस पर भी रिएक्शन किया अगर आपने वो नहीं देखा तो भी आप जाके देख सकते हो एंड वेल well, सोनाक्षी uh, so, सिन्हा को लिया है सो मे बी देयर इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन या कुछ ऐसा सीन होगा देखते हैं आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि क्या होने वाला है इस वीडियो में और दो दिन पहले ये जो है टीजर रिलीज, रिलीज हुआ है एंड वी गाइज गेन बी वेटिंग फॉर द सॉन्ग ठीक है कंप्लीट सॉन्ग कब रिलीज होता है और कैसा है वो वेल लेट्स सी अभी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इसके टीज़र को देख के एंड वीडियो में डाइव होने से पहले इफ यू आर द वन हु इज दन दिस यूट्यूब चैनल प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना माय इंस्टाग्राम हैंडल इसमें मंडर स्कोर रहता ही अब टाइम जया नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस सॉन्ग को बेसिकली uh, टीज़र को समझने की कोशिश करते हैं लेट्स टू विद मी कंट्री जेल टैक्स Time's up, Superstar. free to go. Okay. After nine years, they see This is. ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣੀ ਆਈ ਬਈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਐਮਸਟਰਡਮ ਬਾਈ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਮਸਟਰਡਮ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਉਨ ਮਾਈ ਗੋ ਬੈਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਐਮਸਟਰਡਮ ਚਲੋ इज़ आफ्टर वॉचिंग दिस टीजर आई थिंक दैट्स सो ग्रेट लाइक सीरियसली नौ साल के बाद आ रहे हैं वही एनर्जी है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वे आर सेंग कि यू नो बहुत अब योयो हनी सिंह वापस फॉर्म में आ रहे हैं एंड ही इज डूइंग यू नो टेकिंग हिज वर्क ऑन डैट लेवल जो uh, आज से कुछ साल पहले था एंड जिस टाइम पर वो हर एक बच्चे की जुबान पर थे तो वो दोबारा से अपने काम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं एंड सम ऑफ द सिंगर्स आर यू नो डिस कर रहे हैं योयो हनी सिंह पे कि कम नहीं हो पा रहा है वेल आई थिंक योयो हनी सिंह को ऐस सच किसी कम की ज़रूरत नहीं है बस uh, उनका एक हिट uh, सॉन्ग आने की देर है और वापस वो सबके यू नो दिमागों पे दोबारा से छा जाएंगे बिकॉज uh, अभी मुझे ये देख के ना इसका टीजर देख के आई फेल्ट लाइक क्यों ये पुराना वाला यूयो हनी सिंह यू नो इज़ लाइक वापस से नज़र आ रहा है ये डिस्क वगैरह चल रही है और मुझे पता है किस किसके सॉन्ग में था ये सब बट मुझे इतनी सार ज़्यादा ये सारी बातें करना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि यू you नो know, बहुत लड़ाई वगैरह हो जाती है और कमेंट बॉक्स में भी एक अजीब लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं इसके फैंस लड़ना शुरू हो जाते हैं उसके फैंस लड़ना शुरू हो जाते हैं बट द फैक्ट इज़ दैट आई थिंक योयो यो हनी सिंह उस टाइम पे जो बात थी योयो यो हनी सिंह की वो ऑब्वियसली बहुत अलग लेवल की थी उस टाइम पे वो बहुत हिट थे हर बच्चे के फेवरेट आ, सिंगर भी यो, यो हनी सिंह थे मुझे टीजर देख के बहुत अच्छा लगा एंड आई आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट क्योंकि देसी कलाकार एक बहुत सुपर हिट सॉन्ग है उनका एंड uh, जो ऑब्वियसली योयो यो हनी सिंह के फैंस हैं उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सॉन्ग के साथ और भी होपिंग कि उसी के जैसा होगा और उसी के जैसा हिट जाएगा बिकॉज क्योंकि टीजर तो ऐसे wow, के uh, तो ऐसा ही लगा वाओ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग क्रेजी मुझे पता क्या फील होता है कि कम बैक की तो ऐसा जो उनको कोई ज़रूरत है नहीं बिकॉज uh, वो ऑलरेडी uh, एक टाइम पर उन्होंने ऐसे, ऐसे ऐसे एल्बम दिए हैं कि स्टिल उनके जो है सॉन्ग्स uh, जो है चलते हैं और स्टिल लोग उनके सॉन्ग सुनते हैं बट uh, जहाँ तक बात है मुझे लगता है कम तो उनका हो चुका है बट uh, एक आध हिट सॉन्ग की बहुत ऐसा जो हिट हो के वायरल हो जाओ ट्रेंड में जाए ना और काफ़ी दिनों तक लोगों के दिमाग पर सवार है तो आई थिंक एक ऐसे सॉन्ग आने की ज़रूरत है उसके बाद यो, यो हनी सिंह का फिर वापस से ही वही चर्चा हो जाएगा और वही बातचीत हो जाएगी अभी थोड़ा दूसरे सिंगर्स ने जगह ली हुई है उस टाइम ऑब्वियसली उन्होंने इतना अरसा हो गया था और हनी सिंह जो है उस तरह से काम नहीं कर पा रहे बट ही इज़ वर्किंग अगैन और उसी uh, तरह से काम अगर हो रहा है तो आई यू नो आई वी बडी इज होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वॉट यू नो व्यूवर क्या चाहता है कि अच्छी चीज़ मिले जो वो इंजॉय कर सकें जिसके साथ वो यू नो वाइब कर सकें कैसा सॉन्ग चाहिए होता है यानी ये जो लड़ाई चल रही है तो इस कमेंट बॉक्स में कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है वी आर क्लियरली कि हनी सिंह का ये वाला जो टीज़र बहुत ही uh, अच्छा है और uh, बहुत ही देसी कलाकार ऑब्वियसली देसी कलाकार का ही सेकेंड पार्ट है तो काफ़ी अच्छी सी वाइब आ रही है एंड बहुत सारी होप्स हैं लोगों की और पीपल आर एट द वेरी सेम टाइम दे आर ऑल्सो एक्साइटेड और लोग बहुत सारी होप्स के साथ उस सॉन्ग का वेट करें एनी वेज आई जस्ट होप के आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी होप को ना ब्रेक करें सॉन्ग आने के बाद अच्छा ही हो सॉन्ग और आप लोग खुश हो जाओ एनीवेज अब मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ जो गेट टू सब्सक्राइब यू ट्यूब जाओ एंड प्रेस अ वेल आईकॉन एंड जो गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम माग्रामलीन अभी रिएक्टिंग ऑन टू द सॉन्ग सो कीप वेटिंग फॉर द सॉन्ग विथ मी एंड एज वेल नाउ i'm going to be ending this video with a very very and very positive message which is do not forget to spread peace love and positivity love you all bye